बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लिटर शीट्स गोल्ड और ब्लैक कलर में। आप सबसे पहले गॉगल्स, मुस्टैचेस और ब्रो लिटन लेटर्स को कट कर लीजिए। ये बेस के लिए एक सीजर चाहिए, एक मार्कर चाहिए और एक फेविकॉल। और अब हम बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। ये जब तक स्टिक करके मैंने सूखने के लिए रख दिया है, अब हम इसका स्ट्रैंड बनाएंगे। इस तरीके से जैसे शो हो रहा है वीडियो में वैसे आप इसे बनाइए। अब ये बन चुका है, अब मैंने इसका एक्सेस पार्ट कट कर दिया है और इसे जोर से आप स्ट्रैंड पे स्टिक कर दीजिए और सूखने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो। हमारी कूल राखी तैयार है। जेंटली प्रेस करो, इट्स रेडी। थर्ड है ये मोती वाली राखी। ये सबसे इजी वाली राखी है। इसके लिए इस पैटर्न में आप मोतियों को इंसर्ट करें, फिर ये सीक्वेंस इसमें हम लगाएंगे और सेम पैटर्न से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हमने दोनों साइड सेम पैटर्न लगाकर अपनी राखी को तैयार कर लिया है। बीच में ये सीक्वेंस लगा दिया है और इट्स डन। ये सबसे इजी है, यू कैन मेक इट एट योर होम। थर्ड है ग्लिटर राखी। ये बहुत सुंदर है और इजीली बनने वाली है, इसलिए हमें चाहिए कुछ ग्लिटर शीट जो आपकी चॉइस की हो। मैंने ऑरेंज येलो लिया है। आप फिर रिबन ले लीजिए, स्टेपलर फॉर स्टेपलिंग, फेविकॉल, सीजर्स और इन ग्लिटर शीट्स को हमें ट्रायंगल शेप में कट करना है। कट करना है और एक बेस का फोम और कार्डबोर्ड सर्कल ले लेना है। उसके बाद हमें ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल कट करने हैं और वीडियो में शोन व्यूज तरीके से आप इसे स्टेपल कर लीजिए। इसी वे से आप इसे ध्यान से स्टेपल करिएगा as shown. Yes, like this. आप इसे स्टेपल कर लीजिए। कर आप ऑरेंज लेयर को स्टिक करें लाइक दिस। आप इसे स्टिक करें, बस अब हमारी ऑरेंज लेयर रेडी है। इसी तरीके से फिर येलो, देन अगेन ऑरेंज, येलो, फिर अगेन ऑरेंज। थ्री लेयर्स रेडी है। अब बस हमें इसमें सिंपली फ्लावर को स्टिक करना है। बस अब हमें इसे सूखने के लिए रखना है थोड़ा 5 to 10 minutes के लिए और फिर स्टैंड में लगाना है। अब हमारी टॉफी वाली राखी जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चों को राखी का इंपॉर्टेंस तो पता नहीं होता, पर अगर हम ऐसी टॉफी देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, इसलिए हम बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए सीजर्स, फेविकॉल, स्टेपलर, टेप और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस फॉर बेस। आप इसे वीडियो में बताए अनुसार स्टेपल कर लीजिए। मैंने ट्रायंगल शेप में किया है, आप कोई भी शेप में कर सकते हो। और स्ट्रैंड में भी आप थोड़ी सी टॉफीज को हैंग कर दे जिससे वो थोड़ी और अच्छी लगेगी बच्चों को। लाइक दिस स्टेपल इट। ये स्टेपल करके और हमने नीचे बेस भी इसमें पेस्ट कर दिया है। ये रेडी है। अब बस इसमें एक छोटा सा आप पिन से होल करने के बाद इस फ्लावर को इसमें इंसर्ट कर दीजिए। दैट्स इट। अब बस हम इसे स्ट्रैंड पे अटैच कर देंगे।